नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 9 भारतवर्ष पर। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल और वक्त हो चुका है देश के नंबर वन प्राइम टाइम शो सुपर प्राइम टाइम का। पूरी दुनिया में कोरोना की स्थिति फिर से खराब हो रही है, भयावह होती जा रही है। कोरोना की नई लहर और ज्यादा कहर बरपा रही है। दुनिया भर में एक दिन में 7 लाख नए केस सामने आए हैं। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डरावनी हैं, कलेजा कपाने वाली हैं। कब्रिस्तानों में जगह नहीं बची है, रात रात भर कब्रें खोदी जा रही हैं, लोगों को दिन रात दफनाया जा रहा है, अस्पताल में जगह नहीं बची है। ये स्थिति एक दो नहीं बल्कि तमाम देशों में है। ब्राजील, अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, कमोबेश हर जगह वैसी ही स्थिति फिर से हो गई है जैसे 2020 में थी। इन देशों के कई शहर तो हॉन्टेड से दिखने लगे हैं। कातिल कोरोना के साल 2021 के संस्करण का सारांश है। संक्रमण के आक्रमण से कांपती दुनिया की सबसे भयावह तस्वीर है ये। वैक्सीनेशन के बीच वुहान वायरस के वैश्विक कहर का दृश्य है। ये दृश्य है बेबसी में लिपटे विश्व के उन 6 देशों का, जहां मेड इन चाइना महामारी ने फिर से प्रचंड प्रहार शुरू कर दिया है। देख लीजिए कैसे हिंदुस्तान में कोरोना लोगों को शमशान घाट पहुंचा रहा है, कैसे ईरान में कतारों में कब्रें खोदी गई हैं, कैसे पाकिस्तान में लाशों का ढेर लगा है, कैसे अमेरिका फिर से लाचार है, इटली कराह रहा है, और कैसे ब्राजील में रातों को लाशें दफनाई जा रही हैं। डरावनी रात में स्याह सच से साक्षात्कार कराती ये तस्वीर ब्राजील की है। रात के अंधेरे में रोशनी में कब्रें खोदी जा रही हैं। आत्म सुरक्षा के बीच कोरोना वॉरियर्स ताबूत में बंद लाशों को दफना रहे हैं। कोरोना के कहर से मारे गए लोगों के अपनों का कलेजा फटा जा रहा है। प्रकृति के सबसे प्रचंड प्रहार का सामना कर रहे लोग रो रहे हैं। ब्राजील में 1,34,50,000 से ज्यादा लोग अब तक कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ब्राजील में मौत का आंकड़ा 3,52,000 के करीब पहुंच चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा कोविड प्रभावित देशों में ब्राजील दूसरे नंबर पर है। ब्राजील में अस्पताल फिर से भर गए हैं, फिर से मरीजों की तादाद बेहिसाब बढ़ गई है, फिर से डॉक्टर और नर्सों की कमी हो गई है। 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मौत होने से खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। ब्राजील में 21 करोड़ की आबादी में से 3% से भी कम आबादी को वैक्सीन की दोनों डोज मिली है। हालांकि वर्ल्ड कोरोना मीटर में ब्राजील से ऊपर अमेरिका है। 2020 की तरह ही अमेरिका में अब सिचुएशन डरावनी है। अमेरिका में भी कोरोना एक डरावना रूप इख्तियार करता जा रहा है। अमेरिका के फ्लोरिडा की ये तस्वीर देख लीजिए। बेजान जिस्मों के इस ढेर को देखकर कोरोना की भयावहता का अंदाजा लग सकता है। पिछले 7 दिनों से औसतन करीब 70,000 नए मामले रोज सामने आ रहे हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में यह आंकड़ा 80,000 के करीब पहुंच चुका है। फिर से कोरोना के भयावह दौर से गुजर रहे अमेरिका में हालात विकराल हो गए। अमेरिका में 3,18,70,000 से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। अमेरिका में 5,75,600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अमेरिका में कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर राहत है। पहले के मुकाबले अब अमेरिका में कोरोना वायरस से हो रही मौतें कम हुई है। सीडीसी के निदेशक डॉक्टर रोसेल वालेंस्की का कहना है कि अमेरिका में कोरोना से होने वाली मौत का आंकड़ा इसलिए कम हो गया है क्योंकि यहां वैक्सीनेशन तेज गति से चल रहा है। अमेरिका में 34% आबादी को वैक्सीन लग चुकी है। अमेरिका में 20% वयस्क आबादी का भी पूरी तरह टीकाकरण हो गया है। हालांकि जानकार बताते हैं कि जिस तरह से टीकाकरण के बावजूद अमेरिका में कोरोना की तादाद बढ़ रही है वो अपने आप में बहुत चिंताजनक है। कोरोना की वजह से भारत में भी स्थिति चिंताजनक होती जा रही है। एक दिन में रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है और एहतियातन कई तरह की सख्ती बरती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भारत में भी हालात अमेरिका जैसे बनते जा रहे हैं। कोरोना की आग में कुछ यूं लोगों की उम्मीदें जल रही, इस धुएं के साथ खौफ पसरता जा रहा है। अस्पताल में जान गंवाने वालों को यूं शमशान घाट पर जलाया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर बेहिसाब कहर बरपा रही है भारत में। पहली बार एक दिन में 1.5 लाख नए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। सिर्फ 6 दिनों में कोरोना की रफ्तार 1 लाख से प्रतिदिन 1.5 लाख तक पहुंच गई है।
महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हालांकि अब भारत के दूसरे हिस्सों में भी महामारी फिर से सिर उठा रही है। पिछले दो हफ्तों में छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, गुजरात, एमपी, राजस्थान जैसे राज्यों में नए मामले तेजी से बढ़े हैं। भारत में कोरोना मरीजों की तादाद 1,33,58,900 से ज्यादा हो चुकी है। भारत में इस वक्त 11 लाख से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस हैं। स्थिति पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। सुरक्षा की तमाम दीवारों को ध्वस्त कर पाकिस्तान में भी कोरोना कोहराम मचा रहा है। लाशों का ये ढेर लाहौर का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कब्रिस्तान में भीड़ की वजह से अस्पतालों में शवों को लपेट कर रखा गया है। हॉस्पिटल भी मरीजों से अटे पड़े हैं। फिर से पाकिस्तान में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। चाइनीज वैक्सीन भी असरदार साबित नहीं हो रही। डर के मारे लोग अपना वतन छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि सच्चाई यही है कि इमरान खान के मुल्क में आवाम को ना अस्पताल में जगह मिल रही है, न दवाई मिल रही है, न डॉक्टर मिल रहे हैं। पाकिस्तान में भी एक दिन में 5,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिलने शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान से ज्यादा भयावह स्थिति ईरान की है। लोग बेहिसाब मर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लॉकडाउन का ऐलान भी कर दिया गया है, क्योंकि अस्पताल लाशें उगल रहे हैं और कब्रगाहों में जगह नहीं है। इन तस्वीरों में ईरान की हकीकत है। ये कब्रिस्तान की तस्वीर है, जहां लगातार कब्रें खुद रही हैं। कब्रों तक ताबूत में बंद लाशें पहुंचाई जा रही हैं। लाशों को दफनाया जा रहा है और ये काम दिन रात चल रहा है। बताया जा रहा है कि एक एक दिन में 80 से 100 लाशें यहां पर दफन की जा रही हैं। लेकिन ईरान की सरकार आंकड़ों में हेरफेर कर रही है। हालांकि सच्चाई परिलक्षित हो रही है इन कब्रगाहों में। ईरान में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 19,666 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। बीते एक हफ्ते से यहां औसतन रोज 20,000 केस आ रहे हैं। ईरान में कुल संक्रमितों की संख्या 20 लाख के पार हो चुकी है, जबकि 64,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना की चौथी लहर की चपेट में आए ईरान ने 10 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। देश के 31 प्रांतों में से 23 में लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान सभी स्कूल, कॉलेज, बिजनेस, कंपनियां और दफ्तर बंद रहेंगे। थिएटर्स, खेल परिसर को भी बंद रखने का फैसला किया गया है। रमजान को देखते हुए भीड़ के जुटने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जाहिर है कि कोरोना का खौफ बेहिसाब है और ये दुनिया के तमाम देशों में है, तमाम शहरों में है। लोग सकते में है, क्योंकि एक दिन में 7-7 लाख केस सामने आ रहे हैं। 10,000 से ज्यादा रोजाना मौतें हो रही हैं और इसके और बढ़ने की आशंका बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।